Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about sir orientalism. What is an orientalism? क्या है, कैसे clear करेंगे? Concept को समझना जरूरी है. सब paper के point से सबसे expected questions है. Confirm आता है. हाँ आता है, बिल्कुल no doubt about it. इसको पढ़ना क्या है? Actually है क्या? Colonialism पढ़ लिया था आपने? Seriously, colonialism पढ़ लिया. Civilized mission पता आप लोगों को? You guys know what is civilizing mission? सर ब्रिटिश ने शुरू किया था, उनको लगा था कि ये लोग अनपढ़ हैं, इनको कोई तमीज़ नहीं है, तो इनको थोड़ा सिविलाइज कर देते हैं. अभी अभी मैंने एक वीडियो डाल दी डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, वो भी पढ़ा होगा आपने. सर ये सब कनेक्टेड है, सीरियसली दिस सब कनेक्टेड है. अब मैं बोलूँ मैकुले मिनट तो पढ़ा होगा यार, कन्फर्म फर्स्ट ब्लॉक से आना है इंस्टलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो सर वो भी बड़ा अच्छे से. अगर ये सब क्लियर है तो ओरिएंटलिज्म तो ऑन टिप होगा. कैसे? लेट्स स्टार्ट द क्लास. कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं. उससे पहले भाई चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, नहीं किया जय माता दी कांट हेल्प इट. सीरियसली मैं सिर्फ कह सकता हूँ, कई लोग नहीं सुनते तो यहाँ पे करना क्या है, जो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में डन लिखेगा, क्योंकि आज लाइव सेशन सर 11:15 हो ये पेपर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे सर, नाम को शाउट आउट करेंगे उस आदमी का जिसने डन लिखा होगा, क्योंकि वो पहले करेगा चैनल को सब्सक्राइब, फिर करेगा वीडियो को लाइक और फिर शेयर करेगा ऑन सोशल प्लेटफॉर्म. कम टू ओरिएंटलिज्म. सर है क्या ओरिएंटलिज्म, कहाँ से शुरू हुआ? सर नाम सुनूंगा एडवर्ड सेट का. एडवर्ड सेट का व्यू पॉइंट क्या था, मतलब इसने किताब लिखी थी यार, किताब लिखी थी ओरिएंटलिज्म पे, सीरियसली कब लिखी थी, 1978 में, जिसमें इसने बताया था भाई ईस्ट और वेस्ट के डिफरेंस को बताया था. ईस्ट बिलोंग टू, मैं अपनी बात करता हूँ, हम इंडियन हैं तो इंडिया को बिलोंग करता है ईस्ट. वेस्ट सर द ग्रेट ब्रिटेन. सर क्यों ग्रेट बोल रहे हो यार, उसके अंदर ग्रेट आता है, इतना सा दिखता नहीं है, पूरी दुनिया पे राज करता था, ग्रेट ब्रिटेन इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे ब्रिटेन ही है सीरियसली. तो आपने कहा उनकी सोच थी, वो सोच क्या थी, टू रूल ओवर द कॉलोनीज, मतलब कॉलोनीज पे रूल करना है. इसी कॉन्सेप्ट को When the imperialist country rule over colonies, the whole procedure is known as orientalism. इस पूरे procedure को orientalism कहा गया. तो आप कहते हो orient sir, the colonies of British. Orientalism when the British is ruling on the countries or the colonies. The whole process is known as orientalism. Seriously, इसको orientalism बोला गया. आप थोड़ा समझ लेते हैं notes के through. तो ये तो detail हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर थोड़ा glimpse तो मिल गया होगा कि orientalism क्या है और हम पेपर में क्या लिखने वाले हैं. I come to the basics. Orientalism is the imitation or depiction of aspects of Eastern world. Now, sir, ये थप्पड़ था स्टेट फॉर जो लाइन मैंने बोली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द ओरिएंटेशन इज द इमिटेशन और डिपिक्शन ऑफ द एस्पेक्ट्स इन द ईस्टर्न वर्ल्ड. दीज डिपिक्शंस आर यूजली डन बाय राइटर डिजाइनर आर्टिस्ट फ्रॉम द वेस्ट. सर आपका कल्चर कहाँ यार, द क्लोथ यू वियर सी दिस, आई एम वियरिंग यू टू इंडियन क्लोथ नहीं है सीरियसली, दिस बिलोंग्स टू वेस्टर्न सोसाइटी. हमारा धोती कुर्ता चलता था, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पहना, एक बार पहना था एक मैरिज में पहना था सीरियसली, तो वहाँ हो गया सर एक बार. हमारा कल्चर वो है, खाना हम लोग डाइनिंग टेबल खाते हैं सबके घर पे यार, नहीं तो चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं, बेड पे भी बैठ जाते हैं, नीचे पालती मार के बैठ के खाना खाया सीरियसली, हाथ जोड़ के पानी के साथ कुछ किया. ये हमारा कल्चर था, ये हमारा ट्रेडिशन था, जिसको हमने खुद बैकवर्ड कर दिया. क्या हमें लगा ये अनसिविलाइज लोग करते हैं यार, तो सर हमें क्या लगा, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते गए और अपने कल्चर को भूलते गए. सर हमने क्या किया, उनके दिमाग से अपने आप को गुलाम बना लिया. और ओरिएंटलिज्म दे स्टिल रूल आवर माइंड, इसको डीकॉलोनाइज द माइंड भी कहते हैं, आप समझ चुके हैं लास्ट वीडियो देखी होगी. तो कहता किया कि इन्होंने, सर किया इन्होंने फेमस राइटर्स ने, डिजाइनर्स ने और आर्टिस्ट ने. इन पर्टिकुलर ओरिएंटलिज्म पेंटिंग्स डिपिक्टेड मोस्ट स्पेसिफिक द मिडल ईस्ट. और अगर मैं पेंटिंग्स की बात करता हूँ, ऑनेस्टली अगर मैं पेंटिंग्स की बात करता हूँ तो वो भी हमें डिपिक्ट ही करते हैं सर सीरियसली. हमारे यहाँ की कांट हेल्प इट, मतलब पेंटिंग्स देखना यार लगेगा कि हम लोग थे ही नहीं, हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था सीरियसली, वी आर नेक्ड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज वी आर अनसिविलाइज्ड एंड दे पोर्ट्रेट अस लाइक द वे दैट इज ओरिएंटलिज्म. अब थोड़ा डिटेल में आते हैं. कहता है ओरिएंटलिज्म को हाईलाइट करना है तो बेसिकली थीम्स को क्लियर करना होगा, जस्टिफाई करना होगा कॉन्सेप्ट्स को, क्या है इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें बताती हैं ओरिएंटलिज्म को.
डिटेल में आता है, इट इज अ वे ऑफ सीइंग द इमेजिंस एम्फेसाइज एक्सट्रिकेट एंड डिस्टॉर्ट डिफरेंस ऑफ द पीपल दोज लिविंग इन ईस्ट एंड वेस्ट, दोज लिविंग ईस्ट एंड वेस्ट। यहां पे एडवर्ड ने क्या कहा था, उसने कहा था और इंटेलिजेंस डिफाइन करता है एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्ट द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एलिबरेट थ्योरीज एपिक्स नॉवल्स सोशल डिस्क्रिप्शन एंड पॉलिटिकल अकाउंट्स कंसर्निंग द ओरिएंट इट्स पीपल कस्टम माइंड डेस्टिनी टू डू सो। सर वो हमारे सोच को पढ़ता था, हमारे दिमाग को पढ़ता था, हम लोगों ने कहा हमने उनको कॉपी किया, उनके कल्चर को कॉपी किया ताकि वो हमें रूल कर पाए, इट्स ओरिएंटलिज्म। तो यही तो हुआ सर, एक्चुअली यही चल रहा था। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुन लेंगे, आई एम रियली आउटलाइनिंग हियर सो दैट आई कैन पुट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, यू गाइस मस्ट गो विद दिस, क्योंकि ये आपको आंसर में लिखने से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। अकॉर्डिंग टू सेट ओरिएंटलिज्म डेट्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ द यूरोपियन एनलाइटमेंट एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अरब वर्ल्ड। ओरिएंटलिज्म प्रोवाइडेड अ रैशनलाइज ऑफ द यूरोपियन कॉलोनीज बेस्ड ऑन सेल्फ सर्विंग हिस्ट्री इन विच द वेस्ट कंस्ट्रक्टेड एंड द ईस्ट एज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम इन्फीरियर, देयरफॉर इट नीडेड द वेस्टर्न इंटरवेंशन फॉर रेस्क्यू। हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे सीरियसली, मतलब मैं 16 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कल्चर नहीं था, वो आए उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने खाना सिखाया, हमें बैठना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, या उनके बाप दादा से ज़्यादा पढ़े लिखे थे हमारे सीरियस सेंसर। लेकिन सर कहाँ से, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो सीरियस से उनको कौन सी हिंदी आती थी यार, तो यहाँ इंग्लिश कहाँ से हाई फाई लैंग्वेज होगी सीरीज, आई रियली डोंट गेट दैट। बट ओरिएंटलिज्म तो रेफर यही करता था, क्योंकि यहाँ उन्होंने माना था कि जो टॉर्चर कर रहे थे वो जो यहाँ से लूट के ले गए ना सीरियसली, वो सब पार्ट था सिविलाइज मिशन का, दे आर एक्चुअली सिविलाइजिंग, वो हमें रेस्क्यू कर रहे थे। ये कैसा रेस्क्यू था सीरीज, आई एम नॉट गेटिंग दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रेस्क्यू वाज दिस, मतलब किसी कंट्री में आओ उसको लूट के चले जाओ, उनकी यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दो, उनकी लैंग्वेज को बदल दो, अपनी लैंग्वेज हर जगह अप्लाई कर दो, उनका लिटरेचर डिस्ट्रॉय कर दो, एंड देन से दैट वी आर सिविलाइजिंग दैट नेशन। सो सर दिस इज ओरिएंटलिज्म, ये था ओरिएंटलिज्म, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। Examples of early Orientalism can be seen in European paintings and photographs that also image the World Fair in US. Sir, वो तो World Fair में जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको देखूंगा नहीं, I'm not going to see that. तो इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ लास्ट वर्ड में, तो Orientalism का कॉन्सेप्ट तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब सबके सब मुझे बोलते हैं सर ये Orientalism को पूरा क्लियर कर दो इन योर वर्ड्स, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस स्टेटमेंट नाउ। तो Orientalism को हाईलाइट करने के लिए हमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेंशन करने होंगे जो ईस्ट और वेस्ट के डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं, वो डिफरेंसेस जो हमने उधर से कॉपी किए और अपने यहाँ के पूरी तरह से डाउनग्रेड कर दिए, वी नेवर एक्सेप्टेड आर ओन व्यूज। अगर मैं एडवर्ड सेट की बात करूँ, एडवर्ड सेट ने अपनी बुक में पूरी तरह से हाईलाइट किया ब्रिटिश को, कि ब्रिटिश ने जो सब किया वो सिर्फ वो क्या करता, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था वो द ईस्टर्न कंट्रीज, ताकि उनको क्या कर पाए, उनको डेवलप कर पाए, उनको सिविलाइज कर पाए। सो यू गाइस थिंक दैट वी नीड टू बी सिविलाइज एट दैट टाइम, क्या हम लोग सिविलाइज नहीं थे, दिस जस्ट डिपेंड्स दैट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, फ्रेंकली सेज ऑन द अदर साइड दे टू डोंट हैव एन नॉलेज ऑफ आवर ओन लैंग्वेज, उन्हें भी हमारी लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी यार। तो आप बोलो सर हमारी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी तो हमें उनकी नहीं थी, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दैट, बोथ आर इक्वल। बट अगर लिटरेचर वाइज कहता हूँ सर वी आर फार बेटर देन देम एट दैट टाइम टू, तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, देन गेट टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और ओरिएंटलिज्म में क्या लिख सकते थे, इसके अलावा क्या लिखना था, मतलब देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड ऑफ पीपल कि सर इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं। तो जो आप ओरिएंटलिज्म को बताएंगे, पहले ओरिएंट बताएंगे, फिर ओरिएंटलिज्म बताएंगे, फिर कॉलोनी को हाईलाइट करेंगे, फिर इंपेरियलिज्म को हाईलाइट करेंगे, फिर सिविलाइजिंग मिशन को एड ऑन करेंगे, देन यू गोइंग टू गेट द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, एंड देन हाउ द ईस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स फेमस पर्सनैलिटीज उनको एड ऑन करेंगे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बखान किया सीरियसली बहुत बड़ा बड़ा किनका, वेस्ट का, कि हम उनको अडॉप्ट करें, उनके यहाँ ये अच्छा, उनके वहाँ ये अच्छा, मतलब हमारे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं है सीरीज, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे एंड देन ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेडिशन, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ओरिएंटलिज्म।
आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगी। और इंटेलिज्म क्या है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, आप लोग डीकोलोनाइज द मैट को ऐड कर सकते हैं इसमें। मैकुले की जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ, कि मैकुले की थ्योरी के कॉन्सेप्ट आएंगे। डेफिनेटली उसने कहा था यूरोपियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए, बेसिक्स में भी वही पढ़ाई जानी चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, हम उसी को फॉलोअप करेंगे। तो सर दीज आर द बेसिक्स, यस दीज आर द बेसिक्स दैट यू गाइस मस्ट फॉलो व्हाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, सबके सब इसको फॉलो करेंगे। कोई बच्चा क्लास में अगर कुछ मिस हो जाता है तो दोबारा से वीडियो देख सकता है, शुरू से आके चलाएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके वो नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि बाकी वीडियोज़ कर पाएँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोज़ हू आर गोइंग टू हैव एन एग्जाम टुमारो, जिनका बाद में उनको भी। तो सर जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं सीरियसली लाइव सेशन है 11:15 पे, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ डिस्कस करने वाले। ऑल द बेस्ट।